स्टूडेंट्स, इंग्लिश बोलना हुआ आसान के वर्ड पावर सेशन के लेक्चर नंबर 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं आपको फिर एक नया वर्ड बताने जा रहा हूं जिसका नाम है पेडागॉग। PEDAGOGUE। ओके, पेडागॉग मीन्स होता है स्टूडेंट एजुकेटर। एजुकेटर मीन्स अध्यापक, शिक्षक। तो पेडागॉग मीन्स अध्यापक, शिक्षक, राइट, मीन्स गुरु। ओके, एक नया वर्ड है स्टूडेंट। जनरली इन डे टू डे लाइफ हम ये वर्ड यूज नहीं करते हैं, बट इट वॉज अ न्यू वर्ड, ये एक नया वर्ड था। That is why I have shared with you. इसलिए मैंने आपसे शेयर किया, राइट? Pedagogue means teacher. Educator or educator, right? इसको लोग एजुकेटर भी पढ़ते हैं स्टूडेंट, एडुकेटर भी पढ़ते हैं, बोथ आर राइट, नो प्रॉब्लम। ट्यूटर, कोच, COACH, टीचर, एडुकेटर, ट्यूटर, कोच। इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर, राइट? यानी कि ये जो हमारा वर्ड है पेडागॉग, जिसकी मीनिंग है स्टूडेंट शिक्षक या अध्यापक, इसके सिनोनिम क्या क्या हो गए? पर्यायवाची, टीचर, एजुकेटर, ट्यूटर, कोच, ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर, राइट? इतने सारे स्टूडेंट इसके हम मीनिंग को समझ सकते हैं और डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, राइट? तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपको हर वर्ड पे, एवरी वर्ड पे एक एक दो दो सेंटेंस बताता हूं, राइट? तो हमारा पहला वर्ड होगा स्टूडेंट पेडागॉग। ऑन टीचर्स डे Indian government decided to choose some pedagogues for honor. On Teachers Day, Indian government decided to choose some pedagogues for honor. Clear? यानी हमारी भारतीय सरकार ने या भारत सरकार ने, right? कुछ शिक्षकों को सम्मान के लिए choose किया, यानी सेलेक्ट किया, राइट? सेकेंड वर्ड टीचर, माय मैथ्स टीचर इज वेरी पोलाइट, माय मैथ्स टीचर इज वेरी पोलाइट बाय नेचर। क्लियर है? एजुकेटर, अब इस पे मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर अ गुड मैथमेटिक्स ट्यूटर, आई एम लुकिंग फॉर अ गुड मैथमेटिक्स ट्यूटर। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट कोच। इंडियन क्रिकेट टीम के समय कोच कौन है स्टूडेंट? राइट, मिस्टर रवि शास्त्री। ओके, मिस्टर रवि शास्त्री। अगर इंडियन टीम नए कोच की डिमांड करती है तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे सेंटेंस? इंडियन टीम आस्क्ड फॉर अ न्यू कोच टू बीसीसीआई। इंडियन टीम आस्क्ड फॉर, आस्क्ड फॉर का मतलब है यहां पे स्टूडेंट डिमांडेड, डिमांड,
DEMAND. The Indian team asks for a new coach to BCCI. Text for a student, trainer. 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 Trainer means one who trains. Clear? Army वगैरह में जो कोच होता है, ट्रेनर होता है, राइट? कोच स्पोर्ट्स के लिए भी यूज करते हैं स्टूडेंट. स्पोर्ट्स में ये वर्ड यूज होता है कोच, यानी कोचिंग दी जाती है, राइट? और ट्रेनर जो ट्रेनिंग दे, आर्मी वगैरह में देखा होगा आपने, राइट? ट्रेनिंग दी जाती है सोल्जर्स को, ताकि वो राइट एक सॉलिड सोल्जर बन सके, करेक्ट? ट्रेनर. Our school has hired new trainers, right? Yeah, you can say that trainer trains the candidates, right? Yeah, trainer is giving training to soldiers. Clear? Next word is for an instructor. जो इंस्ट्रक्ट करता है, निर्देश देता है, सिखाता है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्टर, करेक्ट? माय इंस्ट्रक्टर इज वेरी पोलाइट, राइट? बाय नेचर माय इंस्ट्रक्टर इज वेरी कॉन्फिडेंट, करेक्ट? माय इंस्ट्रक्टर इज वेरी कॉन्फिडेंट, right? At his task. My instructor is very confident at his task. So student, आज हमने एक नया वर्ड सीखा, pedagogue. Pedagogue means teacher, अध्यापक, शिक्षक. Clear? Pedagogues are always respected. यानी कि teachers are always respected. Clear? Our Indian culture respects pedagogues a lot. Our Indian culture respects pedagogues a lot. Clear? Any doubt? In Indian culture, position of pedagogue comes first, right? In Indian culture, position of pedagogue comes first. यानी हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय कल्चर में गुरु को सबसे पहला स्थान दिया जाता है. Okay? तो स्टूडेंट, इस वर्ड की खूब प्रैक्टिस करिएगा डे टू डे लाइफ में. हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, अलग अलग ये वर्ड हैं और ये सारे वर्ड हम टीचर, शिक्षक, गुरु के लिए यूज करते हैं, राइट? थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू.